हेलो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो गाइज, ये जो है जन्माष्टमी का वीडियो है और आप लोगों तक बहुत लेट से पहुंच रहा है, तो थोड़ा मैं व्यस्त थी फैमिली। अभी जो है 19 तारीख को गणेश पूजा है, तो घर में पूजा होगा, तो इसीलिए थोड़ा काम बढ़ा हुआ है, तो मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, तो वीडियो है लेट जा रहा है। तो ये जो है सबसे हम लोग का फर्स्ट जन्माष्टमी है, तो इससे पहले हम कभी जन्माष्टमी नहीं किए थे, तो ये पहली बार किए हैं लड्डू गोपाल के आने के बाद। तो इधर जो है मैं लड्डू गोपाल का जहाँ पे वो विराजमान, तो सबको मैं सजा रही हूँ और यहाँ पर लिख रही हूँ मैं श्री राधा। तो ये देखिए मैं लिख रही हूँ, तो कैसा लग रहा आप लोगों को श्री राधा नाम? तो अगर प्लीज़ आप लोग कमेंट वो लिख करके हमें बताइए कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए फाइनल जो है पूरा कंप्लीट हो गया है तैयारी। तो गाइज जो है ज़्यादा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं ये जो है मेरा फर्स्ट जन्माष्टमी का वीडियो को जो है मैं एडिटिंग में भी काटना मतलब पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट। तो हम लोग जो है लड्डू गोपाल को फूल के गर्भ में रखे हैं गाइज, और खीरा ऊपर से रख दिए थे। तो खीरा का जो है मैं इनको बोली हूँ कि आप पैसे से काट दीजिए, 12 बज चुके हैं। तो मैं घंटी बजाई, ताली बजाई, फिर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की बोल कर जो है हमने किया, फूलों से फूल के गर्भ से निकाल दिए हैं लल्ला को। तो ये देखिए हम लोग जो है थाली में बैठाल दिए हैं। तो सबसे पहले उनको गंगा जल और जल डाप का जल, ये तीन जल मिला करके उनको स्नान किया जा रहा था। तो फिर मैं अभी जो है मक्खही मक्खन हल्दी मधु ये सब दूंगी। तो ये देखिए आगे हल्दी और मक्खन से हमने ये किया है, अब मैं दही ये दूँगी, मधु दूँगी लल्ला को। तो हम लोग जो है अपने कान्हा का नाम लल्ला ही रखे हैं, और हम लोग लल्ला ही बोलते हैं गाइज। तो ये देखिए, तो अभी दूध से स्नान हो रहा है, फिर जल से होगा। तो ये सब करने के बाद जो है मक्खन वगैरह सब ले लगा कर उनका स्नान कर दिया जाएगा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड दूध से कर दिए थे, तो मैंने उनसे कहा है कि जैसे कर देती हूँ थोड़ा, और आप इनको हाथ में लेकर रहिए। तो थाल से जो है हम लोग निकाल करके हाथ में ले लिए थे, और मेरे हस्बैंड अच्छे से उनको नहला दे रहे हैं। तो कान्हा जी का स्नान अच्छा से तो कराना ही होगा ना, जन्म हुआ है उनका। तो ये सब करने के बाद जो है मैं उनको गमछा दूँगी। मैंने बोला कि लल्ला का गमछा खरीदा है जो हमने, तो ये देखिए थोड़ा सा गंगा जल फिर लेकर आई हूँ। तो इनको जो है एकदम अच्छे से स्नान आदि करा दिए हैं। तो ये देखिए उनका छोटा सा गमछा है लल्ला का, और वो गमछा से जो है उनको साफ़ कर देंगे हम लोग। साफ़ करने के बाद उनका श्रृंगार होगा। तो आप लोग के घर कहाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और कौन कौन जन्माष्टमी किया है हमें कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग गाइज। तो ये देखिए उनको जो है स्नान आदि करके उनको क्लीन करके पोछ दे रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड, तो इधर देखिए मेरी जेठानी है, तो उनको मैंने दिया है कि आप लल्ला का श्रृंगार करा दीजिए। तो हम लोग स्नान करा दिए हैं, तो उनको दिए हैं श्रृंगार करने के लिए। तो और मैं इधर जो है जब तक थोड़ा सा तैयारी कर रही हूँ, उनका झुलवा वगैरह जो भी है चंदन का टीका उका सब लगेगा उनको, तो उन सब का तैयारी कर रही हूँ मैं। तो तीन माला को जोड़ के मैंने एक बड़ा सा माला बनाया है, जो राधे कृष्ण का फोटो है उसमें लगाऊंगी मैं, क्योंकि माला छोटा छोटा था तो तीन टू मिलाकर एक कर दिए हैं हम लोग। तो इधर देखिए लल्ला का भी जो है श्रृंगार हो चुका है, तो अभी वो झुलवा में विराजमान हो जाएंगे। तो ये देखिए गाइज मैं फ़ोटो में जो है माला पहना दे रही हूँ, और फोटो के पीछे जो है दो ठो मोर पंख मैंने लगाया है। तो ये जो है मेरा पहला जन्माष्टमी है। तो देखिए लल्ला जो है झुलवा में विराजमान हो गए। तो मेरा जो है थोड़ा मोबाइल का कैमरा क्वालिटी ठीक नहीं है गाइज, इसीलिए फ़ोटो जो है उतना क्लियर नहीं आ रहा है।
तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर इग्नोर करिएगा, लेकिन वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, क्वालिटी को इग्नोर करना है। वीडियो आप लोगों को पूरा फुल वाचिंग देकर देखना है फैमिली। तो ये देखिए, कान्हा जी का जन्म होने के बाद श्रृंगार वगैरह हो गया, तो उनको झुलुआ में जो है विराजमान कर दिया गया है। और इधर जो है मैं उनका ये कर रही हूँ, धूप दीप दिखा कर पूजा कर दे रही हूँ, फिर उनको भोग लगेगा। तो मैंने किया, फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप भी दिखाइए। तो इधर देखिए, आगे भोग लगाएं, फिर फल का भोग, लड्डू मिठाई ये सब वगैरह जितने हैं सभी का मैंने भोग लगा दिया है। देखिए भोग जो है कान्हा जी के सामने ही है रखा हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं। भोग लगाने के बाद जो है सबसे लास्ट में आरती होगा। तो ये देखिए पूरा दीप जला दिए हैं, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप आरती करिए। तो मैंने भी इनको पकड़ लिया है और हम दोनों मिलकर आरती कर रहे हैं कान्हा जी का। तो ये देखिए आरती भी हो रहा है, और मैं गाना नहीं दे सकती हूँ क्योंकि गाना देने से कॉपीराइट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं वॉइस करके आप लोगों को बता दे रही हूँ। गाइस इधर जो है मंदिर पर आरती करने गए हैं, और मैं पीछे से घंटी बजा रही हूँ। इनको मैंने बोला कि आप आरती करिए, मैं आपको पकड़ कर हूँ। तो इधर देखिए, उधर जो है संतोष के रूम में जहाँ पे मैं पूर्णिमा करती हूँ वहाँ का है गौरी गणेश। तो सभी रूम में जो है इन्होंने दिया बत्ती दिखा दिया है, तो बस सारा इंतजाम था, सिर्फ 12 बजने का ही इंतज़ार था। तो इधर देखिए मेरे जो जेठ जी और जेठानी जी हैं उन्होंने भी आरती कर लिया है, और ये दोनों भाई बहन जो है आरती कर रहा है। तो इधर देखिए, हम लोगों ने झूला जो है कान्हा जी को झूला दिया था, वो वीडियो नहीं हुआ है। तो अभी जो है मेरे जेठ जेठानी कर रहे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो कर लिया था। तो ये देखिए गाइज, इन्होंने कर लिया है, अब मेरी बेटी जो है झूला झुलाएगी कान्हा जी को। तो थोड़ा नाराज है राधा रानी, क्यों नाराज है हम लोग को भी पता नहीं, वो हर बात पर नाराज हो जाती है अभी। तो ये देखिए झूला झूला रही, अब देख सकते हैं कितना आराम से वो झूला झूला रही है कान्हा जी को। झूला झुलाने के बाद जो है अभी ये जो है मेरे जेठानी का बेटा है, मतलब सबसे बड़ा लड़का है हमारे घर का, वो भी झूला झूला रहा है कान्हा जी को। तो इन्होंने जो है जो भी सामग्री रखी हुई थी उसे ढक दिए हैं। तो ये देखिए, ये जो है मेरा बेटा आ गया, वो भी झूला झूला रहा। तो वो बहुत ज़ोर से टान दिया था कान्हा जी का झूला को, तो हम लोग बोल रहे थे उतना ज़ोर से नहीं टाना जाता है, आस्ते आस्ते करो। तो वही वो कर रहा है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा पहला जन्माष्टमी ब्लॉग गाइज? यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए, और आप लोग जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। और ये देखिए गाइज, सभी जो है ये कर लिए हैं, फिर मेरे मंझले वाले जो है जेठ जी आएंगे, वो भी झुलाएँगे झुलुआ, वो सो गए थे। तो उधर जो रंगोली मैंने बनाया था वो भी है मेन गेट पर, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे मंझले वाले जेठ जी आ गए हैं, तो उन्होंने भी झूला कान्हा जी को झूला दिया। तो इसी तरह से जो है हम लोग का घर पूजा संपन्न हो गया था, और फैमिली माँ जो है माँ सो गई थी, क्योंकि माँ बोली कि मैं उतना रात तक नहीं जागूँगी, इसीलिए आ करके आगे से गोरूर लाग ली थी, उसके बाद फिर चली गई। माँ बोली कि हम 12 बजे रात तक नहीं जाग पाएंगे, इसीलिए माँ सोने के लिए चली गई। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग? यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।